कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव सुशील पासी ने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। प्रदेश में हो रही नियुक्तियों में नियम कानून को ताक पर रखकर मनमानी तरीके से खुलकर भाई भतीजावाद चलाया जा रहा है। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए या तो भाजपा और एसएस के पदाधिकारियों के भाई भतीजे व बेटों को भर्ती किया जा रहा है, शेष बची जगहों पर भारी धन ऐंठ कर अयोग्य लोगों की नियुक्तियां की जा रही है। कांग्रेस के लोग इन फर्जी बाड़ा का खुलकर विरोध करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के दिशा निर्देशों के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर भ्रष्टाचार की कलई खोलेंगे और सरकार की नाक में दम कर देंगे। आपको बता दें कि विगत दिनों प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में की गई 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में प्रदेश सरकार पर चारों ओर से राजनीतिक हमले हो रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव सुशील पासी ने कहा कि 69,000 शिक्षकों की भर्तियां प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार का जीता जागता प्रमाण है। उन्होंने कहा कि इन भर्तियों में भ्रष्टाचार की दुर्गंध आने पर तत्कालीन प्रयागराज के एसएसपी ने संकल्प लिया था कि वह पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषियों को उजागर करेंगे, क्योंकि इन भर्तियों के पीछे पूरी प्रदेश सरकार के मंत्रियों और बड़े अफसरों का हाथ है। इसलिए जांच न होने पाए रातों रात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया गया। वहीं श्री पासी ने आरोप लगाया है कि इस भर्ती के दौरान परीक्षा के नाम पर ड्रामा किया गया है। टॉपरों में से टॉपर चुने गए, बिना औचित्य वाले प्रश्न पूछे गए, इसी तरह की तमाम गड़बड़ियां की गई है। फिर मामले को कोर्ट में घसीटा गया। कोर्ट ने स्वयं कई तीखी टिप्पणियां भर्ती मामले में की है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी प्रदेश सरकार को अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी क्रम में उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सरकार भ्रष्टाचारी कारनामों से बाज आए, नहीं तो प्रदेश भर के लाखों कांग्रेसी अपने नेतृत्व प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का निर्देश मिलते ही सड़कों पर उतरेंगे और इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे कि सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। आइए देखते हैं। रायबरेली से इसके इंडिया न्यूज के लिए रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। सुशील पासी जी, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ये जो योगी सरकार द्वारा शिक्षकों की भर्ती हो रही है उस पर कांग्रेस कह रही कि ये घोटाला कर रहे हैं, तो क्या मामला है, ये पूरी बात बताओ जनता के समक्ष। भाजपा की जो सरकार है घोटालाबाजों की सरकार है। ये हर जाति हर वर्ग के लोगों को इसने परेशान कर रखा है, उसे प्रताड़ित कर रही है। अब छात्रों और अध्यापकों को भी ये लगातार प्रताड़ित कर रही है। 69,000 की भर्ती का ड्रामा करती है, परीक्षा पे परीक्षा कराती है। सुपर टेट एक नया परीक्षा लेकर के आई है, और केवल वो इसलिए लेकर के आई थी कि अपने सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग करके इसमें बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला किया जा सके। टॉपर पे टॉपर निकाला गया, एक टॉपर में कई टॉपर बना दिए गए, और ऐसे ऐसे टॉपर बना दिए गए जिन्हें अपने देश के राष्ट्रपति का नाम भी नहीं पता है। बहुत बड़ा घोटाला किया गया। सरकार के बहुत बड़े बड़े हाथ इस भर्ती घोटाले में हैं, और सरकार इस नाकामी को छुपाने के लिए जब प्रयागराज के एसएसपी अनिरुद्ध पंकज जी ने बीड़ा उठाया कि भर्ती में घोटाला करने वालों को बेनकाब करेंगे, उन्हें गिरफ्तार करेंगे, तो सरकार ने रातों रात उनका तबादला कर दिया। सरकार किसको बचाना चाहती है? इस प्रदेश का युवा और छात्र इस सरकार को बेनकाब करेगा। मेरा साफ साफ कहना है, उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी भर्तियां हैं घोटालों से परिपूर्ण हैं। जबरदस्त इसमें भ्रष्टाचार ही नहीं किया गया है, लूट की गई है। एक एक सीट के नाम पर 10-10 लाख रुपए वसूले गए हैं। नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं। कभी पर्चा लीक हो जाता है, कभी परीक्षा लीक हो जाती है, कभी प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जिनका कोई औचित्य तो नहीं है। ये जानबूझ करके ड्रामा किया गया। पूरी परीक्षा प्रणाली शक के दायरे में है, और जितनी भर्तियां इन्होंने की, एक तो भर्तियां नहीं करना चाहते। और एक सवाल मैं करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, आपके माध्यम से। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस कांग्रेस के जमाने में बनाए गए थे कि जहां से नौकरियां दी जाएंगी। आज जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है वो प्राइवेट कंपनियों की भर्ती करने के लिए वहां आवेदन लिए जाते हैं।
सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की नियुक्ति होती है, बड़े बड़े कार्यालय खुले हुए हैं। जानबूझकर के इन सरकारों ने छल करने के लिए अपने बेटी बेटा और पैसे वालों को भर्ती करने के लिए इन्होंने भर्ती घोटाला शुरू कर दिया है। जितने घोटाले भर्तियों में इस सरकार में हुए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में कभी नहीं हुए हैं। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और चाहे जितने बड़े हाथ के लोग हों इनको बेनकाब होना चाहिए, और नहीं हुआ तो इस उत्तर प्रदेश का युवा और छात्र कांग्रेस के बैनर तले सड़कों पर उतरेगा और इन छात्रों को नौजवानों को न्याय दिलाने का काम उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी करेगी। आदरणीय अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम लोग करने का काम करेंगे। थैंक यू।